नारायण हरि, नारायण हरि। आज रक्षाबंधन महोत्सव, ये न बद्धो बलि बद्धो दान विरासविंद्र, रक्षाबंधन का पर्व। विकारों में गिरते अड़ोसी पड़ोसी के भाई बहन के लिए एक संबल है, एक व्रत है। पड़ोस के भैया के तरफ बुरी नजर जा रही है, कन्या बुद्धिमान थी कि मेरा मन मुझे धोखा न दे, ले आई एक धागा, भैया राखड़ी बांधती। भैया के मन में हुआ कि अरे मैं भी तो बुरी नजर से देखता था, बहन तुमने मेरा कल्याण कर दिया। भाई बहन का ये पवित्र बंधन युवक युवतियों को खाई से गिरते हुए बचाने में सक्षम रह जाता है। तिलक जी यूरोप में थे, हैं? तो अब हिंदुस्तान में अपनी बहन है, अब मेरे को आज कौन राखड़ी बांधेगी। लेकिन हिंदुस्तान से आई हुई कई माताएं बहने हैं, किसी के घर की पहचान करके बहन जी आज हम तुम्हारे घर आएंगे राखड़ी बांधवाने, वो बहन तो होशे होशे होगी राखड़ी बांध ली। भाई बहन के निर्मल प्रेम के आगे काम ठंडा हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, सहायता करुणा और समगच्छध्वम समवदस्तम, कदम से कदम मिलाकर चलने की शक्ति आ जाती, समता संयुक्त विचार उदय होने लगते। ये व्रत और पर्व समाज टूटे हुए मनों को जोड़ने का सुंदर अवसर। कुटुंब में अबोले बोलने लगते हैं, दूरी मिटने लगती और सामूहिक संकल्प शक्ति साकार होने लगती। रक्षाबंधन का धागा तो सूत का है, लेकिन उसमें संकल्प हूं की सत्ता का है। हूं की सत्ता से मैं बहन हूं अथवा मैं अमुक हूं और मेरा भाई ऐसा, मेरा फलन ऐसा, उसका मंगल हो। कुंता जी ने राखड़ी बांधी थी अभिमन्यु को, युद्ध के मैदान में जब तक रक्षा कवच था तब तक कपट युद्ध करने वाले इतने सारे योद्धे मिलकर भी अभिमन्यु को मार नहीं सके। जब वो रक्षा धागा टूटा उसके बाद वो मरे। रक्षा सूत्र वर्ष भर आयु आरोग्य स्वास्थ्य और सच्चरित्र में मदद करता है। आपको देखेगा मेरे हाथ में भी कुछ बंधा है ना, इतने सारे टीवियों में ये आया होगा धागा। ये धागा मेरी सगी बहन ने तो नहीं बांधा है, लेकिन किसी बहन ने बांधा है, और बांधा है तो उसने कई अनुष्ठान किए हुए हैं। और प्रोम त्रंबकम यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, मेरे बापू की आयु आरोग्य स्वास्थ्य की रक्षा हो रहे। उसने श्रद्धा से बांधा तो मैं काय को तोड़ता हूं, मुझे तो फायदा ही है। इतना दौड़ता हूं, यात्राएं करता हूं, कहीं एक्सीडेंट हुआ ऐसा आपने नहीं सुना? रक्षा सूत्र और आप लोगों के भी शुभ संकल्प स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं, कार्यों में सफलता देते हैं। परस्पर शुभ संकल्प मदद करते हैं, क्योंकि शांत होकर जब आप संकल्प करते तो हूं में से उठा वस होना अकाट्य हो जाता है। महापुरुषों की दृष्टि और आशीर्वाद या बुजुर्गों के आशीर्वाद शांत मना की वो फलती। मुसलमानों से दुआ कहते हैं, बाबा दुआ करो आप फकीर हैं। अपन लोग आशीर्वाद बोलते हैं, बात तो वही क्यों,